Hello everyone, how are you? It's your Munna Sandy. Welcome back to the game, new video, baby. So, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर का एक ऐसा जगह जहाँ अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ आई लिंक खेला गया था और इंडिया लिंक आई लिंक चल रहा है, फुटबॉल आई लिंक और खेला गया था, वैसे जगह दिखाने वाला आपको। आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं हनुमान मंदिर, ये सबसे पुराना मंदिर है यहाँ का, इस मैदान का सबसे पुराना मंदिर है यहाँ पर। जब मैं पढ़ता था तब उससे भी पहले का मंदिर है, मतलब बहुत सारे मंदिर बनाया गया था। और मेरे बगल में इस साइड है जिमनेशियम, मतलब यहाँ जिमनास्टिक की प्रैक्टिस की जाती है, जिमनास्टिक और मतलब यहाँ जिमनास्टिक की प्रैक्टिस की जाती है। और यहाँ से बहुत सारे लोग नेशनल आगे नेशनल तक खेल चुके हैं, जिमनास्टिक में भी नेशनल तक जा चुके हैं। और तो अभी बंद है, मैं अंदर जाके दिखा नहीं सकता। और सामने में ग्राउंड है दौड़ वाले का, मेरे बगल में ग्राउंड है, देख सकते हैं ये ग्राउंड दौड़ वाले का है, तो मेरे यहाँ दौड़ प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ जो दौड़ प्रैक्टिस किया जाती है, मैं पर छोटा था तब मैं भी यहीं मैं दौड़ में था, दौड़ता था उस टाइम, मेरा पेट निकला था, अभी मेरा पेट नहीं बैक है मेरा भी। अब यहाँ पर दौड़ सकता था, अभी पता नहीं, अभी वर्षा टाइम में तो पूरा घास लग गया, अभी पता नहीं चल रहा। और इधर पूरा बैठने का स्थान है, इधर पर भी बैठ सकते हैं और मेरे पीछे जैसे हट भी पूरा बैठ सकता है। और 15 अगस्त में, 15 अगस्त तो वहाँ होता है, यहाँ जब शेर खेल होता है, बिलास पैर शेर खेल होता है, तब मैं इधर सब भर जाते हैं, प्लेयर आ जाते हैं, हर जगह से प्लेयर आते हैं, बाहर बाहर से प्लेयर आते हैं खेलने के लिए। सब रनिंग पट्टी है, दौड़ा लेने का है, यहाँ दौड़ा दौड़ते हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं क्या नारायणपुर, ये पूरा स्टेडियम है यहाँ का, स्टेडियम नारायणपुर आश्रम का स्टेडियम। आप मेरे चारों साइड से पूरा स्टेडियम ऊपर भी बैठ के देखते हैं और नीचे भी इधर भी बैठ के देखते हैं लोग पूरा मस्त। जब मैं पढ़ता था तब ये सब नहीं लगा था, सब जितने भी लगा ना इधर ये कुछ नहीं लगा, ये बाद में लगा है क्या उस टाइम है, जो कि पूरा पत्थर का था, मतलब पूरा पत्थर था। और इस टाइम इधर भी ये नहीं बना था, ये नहीं बना था, बस ये था, ये था और ये नहीं था। और ये मैदान तो ऐसी था जैसा का वैसी है, मैदान जैसा था वैसी है, लेकिन उस टाइम यहाँ ज़्यादा मुरुम था, अभी घास उग गया है। और मेरे उस साइड और एक ग्राउंड है, उधर वॉलीबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल का है, और एक ग्राउंड उस साइड है, मतलब बोले जाते उधर ना खो खो ग्राउंड है, वॉलीबॉल खो खो दौड़ और जिमनास्टिक। और यहाँ बहुत पहले बहुत सारे खेल होते थे, साइकिलिंग भी होता था, हॉकी भी होता था, बास्केटबॉल होता है, लेकिन वो होता है उधर इंदौर स्टेडियम में। इंदौर स्टेडियम यहाँ से कम दूर है, वो आश्रम के अंदर है, मतलब उस साइड है जहाँ स्कूल है, उस जहाँ लोग लड़के लोग रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, उधर है इंडोर स्टेडियम। तो कभी अगर आपको देखना है तो एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ इंडोर स्टेडियम देखना है, वो भी एक नंबर है, आपको दिखा सकता हूँ, एक बार कमेंट करके बताना कैसे, मतलब देखना है कि नहीं। जब आप लोग को जब देखना अच्छा लगेगा तो ही मैं दिखा सकता हूँ, आप लोगों को अच्छी लगेगा तो मैं कैसे दिखाऊँ, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। यह है वॉलीबॉल ग्राउंड, इसके उस साइड है खो खो ग्राउंड, और ये था एथलीट ग्राउंड, यहाँ कोई ऐसा नज़ारा है। अभी जो देखोगे वो है यहाँ का सबसे मेन ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे प्लेयर लोग नेशनल इंटरनेशनल और यहाँ तक वहाँ भी खेल चुके हैं, बोले तो इंडिया टीम में भी खेल चुके हैं, और एक आदमी खेल चुका है इंडिया टीम से, मतलब अभी भी उसका चल रहा है प्रैक्टिस, और अभी आई लीग के लिए खेल रहा है, और वो है यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ का मेन फुटबॉल ग्राउंड है ये, ये देख सकते हो, और वहाँ जाके दिखाऊंगा। और सेकंड फुटबॉल ग्राउंड है ये वाला, ये ग्राउंड है पीछे, इसमें घास अच्छे से नहीं लगा, देख सकते हैं इसमें घास अच्छे से नहीं है, लेकिन जो वो ग्राउंड है वो वाला दिखा हुआ ग्राउंड, वो ग्राउंड एक नंबर ग्राउंड है, अब वहाँ जाके आप मेन फुटबॉल ग्राउंड आप लोग देख सकते हैं, ये वो गोल की, ये गोल की, और वो गोल उधर उधर है गोल की,
ये यहाँ का मेन ग्राउंड है, यहाँ अभी बहुत सारी आइलिंग चल रहा था नारायणपुर के अंदर, वो पूरा यहाँ मैच हुआ है। और अगर आसपास कोई बड़ा मैच होता है तो यहाँ मैच होता है उसके लिए। आप ग्राउंड भी देख सकते हैं कि तुम्हारा मतलब मस्त बराबर ग्राउंड है। तो यहाँ का लड़के यही प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ प्रैक्टिस करके बहुत आगे तक जा चुके हैं, यहाँ इंडिया टीम तक भी जा चुके हैं। तो यहाँ का ग्राउंड है देख सकते हैं। तो अभी भी यहाँ प्रैक्टिस चल रहा है, अभी जो अभी आइलिंग के लिए सेकंड जो अभी होगा उसके लिए प्रैक्टिस चल रहा है, क्योंकि ना उसमें जो फर्स्ट अभी जो इसमें बीच में हुआ था और छत्तीसगढ़ में आइलिंग हुआ था उसमें ना नारायणपुर का जो है ये सबसे फर्स्ट आया था सब हर जगह में। तो अभी अब सेकेंड और होने वाला है उसके लिए अभी प्रैक्टिस जारी है। तो रोज शाम को यहाँ प्रैक्टिस चलता है, सुबह और शाम प्रैक्टिस चलता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ ग्राउंड सबसे अच्छा है, क्योंकि ना यहाँ जो एक कोच है जो ऑल इंडिया में जो कोच रहता है, ऑल इंडिया जो कोच रहते हैं फुटबॉल के कोच, इंडिया टीम मतलब इंडिया में 5 नंबर में आता है वो कोच है, उनका नाम तो मेरे को नहीं पता। वो बोले थे कि ऑल छत्तीसगढ़ में जितना भी ग्राउंड है उसमें सबसे अच्छा ग्राउंड ये है जो अपना नारायणपुर का फुटबॉल ग्राउंड है। और वो देख लिए सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समय। हेलो फ्रेंड्स, अब मेरे पीछे जो देख रहे हैं पेड़, ये मतलब आपको बता था ग्राउंड बता रहा था वो ग्राउंड ये है, ये ग्राउंड है जहाँ बहुत सारे मैच खेला जा चुका, अभी खेलने वाला भी है, अभी सेकंड जो होने वाला है सेकंड आइलिंग उसके लिए भी शायद यहाँ खेल सकते हैं, प्रैक्टिस जारी है। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं जो जितने भी पेड़ पौधा लगाया गया, देख रहे हैं जितने भी पेड़ पौधा आस पास, जितने भी आश्रम मंदिर बोले तो ग्राउंड में जितने भी पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये सारा पेड़ पौधा हम लोग लगाए थे, मतलब मैं नहीं लगाया था, मतलब उस टाइम जो पढ़ते थे यहाँ पर वो लोग लगाए थे, उस टाइम में शायद साथ ही पढ़ता था, सीट भी साथ ही पढ़ता था, तब मैं लगाया था उस साइड पेड़ लगाया था, वो कोना साइड पेड़ लगाया था। अब मेरे को नहीं पता मेरा कौन सा पेड़ है, बस मेरे को इतना याद है कि मैं उधर पेड़ लगाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप लोगों को नारायण आश्रम के अंदर पूरा घूम के दिखाना है, आश्रम हो गया और इंडोर स्टेडियम हो गया, इस सब के बारे में आपको देखना है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताओ कि तो मैं जाके दिखाऊंगा, नहीं बताओगे तो मैं मुझे किस तरह कि आपको क्या देखना पसंद है क्या देखना पसंद नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, फैम ब्रो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।